आप सभी का स्वागत करता हूं माँ नेतुला नेट चैनल चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जून 2023 फॉर्म कब आएगा, इसके लिए बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे हैं। ग्रुप में भी बहुत सारा और कमेंट में मैसेज आ रहा है कि सर 2023 का फॉर्म कब आएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आ रहा है कि अभी जो नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की तथा रिजल्ट कब तक आएगा, तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। क्या अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट जून एग्ज़ाम फॉर्म का, इसके बारे में आज के वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण है जो कि मैं आपको बताऊँगा। तो जैसा कि आपको पता है कि 15 मार्च को 5 फेज में यूजीसी नेट एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, और नेट एग्ज़ाम होने के 10 या 15 दिन के बाद, जब सभी फेज समाप्त हो जाते हैं तो 10 या 15 दिन के बाद यूजीसी आंसर की जारी करता है। इस मंथ के लास्ट तक आपका जो आंसर की है साथियों वो आ जाएगा, और आंसर की जैसे ही आता है उसके आने के 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। आंसर की चैलेंज का कुछ दिन का, एक वीक का टाइम होता है, उसके बाद आपका 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और अब हम बात करें जून एग्ज़ाम की, तो ये अप्रैल लास्ट तक उसका फॉर्म आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि जयतीश कुमार जी उन्होंने स्पष्ट निर्देश एनटीए को दे रखा है कि इस साल हम किसी भी कीमत पर 3 एग्ज़ाम करवाएंगे। एक एग्ज़ाम आपका संपन्न हो चुका है, तो ये बहुत खुश होने वाली बात है अभ्यर्थियों के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि 2 मौके अभी मिलने वाले हैं। तो बहुत जल्दी आपका इसका फॉर्म का डेट अप्रैल में आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। आप देख सकते हैं 13 से 22 जून के बीच आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये हर हालत में होना ही होना है, क्योंकि यूजीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने खुद इस बात की अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से घोषणा की थी। तो साथियों, यही अपडेट था आपका, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर जो चैनल पर लाइव क्लासेस पेपर 1 और पेपर 2 की जो होती है वो आपको उसका PDF वहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ अब मेरे खुद के बनाए गए पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको PhD एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।